हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है। न्यायिक मानव विज्ञान किसे कहा जाता है, न्यायिक मानव शास्त्र किसे कहा जाता है। सो गाइस, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, यानी इसका परिचय। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसे न्यायिक मानव शास्त्र या मानव विज्ञान भी कहा जाता है, न्यायिक यानी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र में विधि यानी टेक्निक एवं न्याय जैविक पक्षों से संबंधित सही साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, एविडेंसेस का स्टडी किया जाता है, या मानव शरीर विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक रूप से क्या करता है, उसका स्टडी करता है। यानी कि आप इसे पढ़ोगे तो देखोगे, या मानव शरीर विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक रूप को सिविल या दंडीय विधि की शाखाओं में उपयोगी साबित होता है। एम क्या है, यानी उद्देश्य क्या है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने का? तो पहला है, शारीरिक मानव विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर प्रशासन हेतु प्रयुक्त करना। दूसरा है, जन समुदाय की प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय नहीं हो पाए और दोषी व्यक्ति को न्याय के कटघरे में उसे खड़ा किया जाए। तो गाइस, ये एम यानी उद्देश्य क्या है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करने का? तो आप देखिए कि जो न्यायिक मानव शास्त्र यानी फॉरेंसिक जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि इस विधि में विधि एवं न्याय के जैविक पक्षों से संबंधित जितने भी साक्ष्य है, यानी कि एविडेंसेस है, सही साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, या मानव शरीर विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक रूप को सिविल या दंडिक विधि की शाखाओं में उपयोगी साबित होता है। शारीरिक मानव विज्ञान के सैद्धांतिक जो ज्ञान है को व्यवहारिक तौर पर प्रशासन हेतु प्रयुक्त करना, जन समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय नहीं हो पाए और दूसरे व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा करना, यही इसका मेन उद्देश्य है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का, न्यायिक मानव विज्ञान का। डिफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसका एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है? तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी यानी न्यायिक मानव विज्ञान है, न्यायिक मानव शास्त्र है, वो फिजिकल साइंस की ही एक शाखा, एक ब्रांच है, जिसमें किसी व्यक्ति या अपराधी के शारीरिक पहचान, प्रजाति, धर्म यानी पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है, व्यक्तिगत पहचान, लिंग, आयु आदि का स्टडी किया जाता है, यानी स्टडी कर व्यवहार न्यायालय में प्रयुक्त किया जाए, उसे ही एंथ्रोपोलॉजी यानी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, न्यायिक मानव विज्ञान या न्यायिक मानव शास्त्र कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो गाइस, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में आप देखें कि सही सही जितने भी साक्ष्य हैं उसका स्टडी किया जाता है, और मानव के शारीरिक विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक रूप से रूप को सिविल या दंड जो दंडीय है उस विधि की शाखाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। फॉरेंसिक टेक्निक क्या है इसमें देखेंगे, तो अपराधी को जो है अपराध जो करता है तो अपराधी को समाप्त करने की विधि है, जिसे फॉरेंसिक टेक्निक कहा जाता है। इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के थ्रू, इस फॉरेंसिक टेक्निक के थ्रू हम किसी भी अपराधी का हम क्या करते हैं, उसके पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है, व्यक्तिगत पहचान है, आसानी से कर लेते हैं, जैसे उसका लिंग, आयु, प्रजाति, धर्म, ये सारा चीज़ है जिसका हम स्टडी करके क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। यानी अपराधी को समाप्त करने की विधि को फॉरेंसिक टेक्निक कहा जाता है। अपराधियों का पता लगाने में फॉरेंसिक मेथड टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होता है एक क्रिमिनल को पकड़ने में, एक अपराधी को पकड़ने में।